What's up guys, हम हैं आपके जुड़वाज सुशांत निशान। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। तो गाइस, बहुत दिन बाद नहीं क्या, बहुत महीनों बाद, महीनों बाद कैरी भाई का वीडियो आया है, लड़कियों का बेस्ट फ्रेंड। तो बीच में एक आया था, वो हम लोगों ने जुड़वाज टीवी में किया था। बट अभी जितने भी कॉमेडी वीडियोस है वो इसमें यहाँ पे बकवास विद जुड़वाज में ही आएंगे। बिल्कुल। तो गाइस, एक ही चीज बोल रहा हूँ कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना, क्योंकि तो नए पब्लिक को भी पता चलेगा। तो ठीक है, एक काम करते, ज्यादा बात नहीं करते हुए सीधा वीडियो पे आते हैं। इस बार क्या मचान किया भाई ने, ठीक है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ अलग ही टॉपिक लेके आता है। अब देखते हैं क्या है, कौन है, क्या है, किसको किसकी ले रहा है। ठीक है ना, चल लगा लगा देखते हैं। सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, लगा और ऐसे सजेशन देते रहो क्या मांगता है क्या नहीं, बाकी मजा आता है। क्योंकि वीडियो कॉमेडी वाले वीडियो में हम लोग म्यूजिक तो करते ही है, बट कॉमेडी में थोड़ा सा पीछे रहते, आगे पीछे, तो इसलिए ऑब्वियस। चलो सजेशन देते रहो, डिस्क्लेमर भी दिया है। अरे जिंदगी के दुश्मन, ये वही लौंडा है जो शीघ्र पतन से पहले आ रहा हूँ मम्मी बोलता है। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज हम बात करने जा रहे हैं एक गुरु की, एक मोटिवेटर की, जो लड़कियों से एक बात कहना चाहता है। लड़कियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, उस लड़के के साथ रहो जो आपको अपने घर पे ले जाए, ओयो पे नहीं। घर को ही ओयो बना दो, मम्मी सोचेगी राजा बेटा और गुड़िया सुबह से लगे हुए हैं, उनके लिए बॉर्नविटा ले जाती हूँ। पीछे से बाप का फोन आ रहा होगा कि बेटा अगर तुमने जंगल जंगल खेल लिया है तो इस कोठे को वापस घर बना दे या बाहर 24/7 का बोर्ड लगाना है। लड़कों का पीछा करना बंद कर दो, तुम क्वीन हो, डॉग नहीं। हाँ, तभी तो कुछ क्वीन बिस्तर पे हक देती है। याद रखना ये बात, किसकी बच्चे खुश करना चाह रहा है? ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर दिमाग खराब हो रहा है। महाज्ञानी जीवन गुरु का नाम है शिवम मलिक, जिसका एक हाथ मदद के लिए हमेशा खड़ा। तो आओ यार, अपनी पेट की डाली जैसी झुकी गर्दन को सीधा करो और शुरू करते हैं बिना किसी बक तो शुरू करते हैं बिना किसी बक तो शुरू करते हैं बिना किसी बक तो शुरू करते हैं बिना किसी बक पकड़ लिया साड़ो, पकड़। लड़कियों के जो लड़के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, अच्छा, वो कुछ ऐसे होते हैं, वो आपको एक लिटिल सिस्टर की तरह प्रोटेक्ट करेंगे। सही अच्छा। बात है, मेल बेस्ट फ्रेंड को प्रोटेक्शन बहुत पसंद है, लेकिन अल्ट्रा थिन गर्लफ्रेंड के बाप से इतना डर नहीं लगता जितना जो लड़ाई के बाद चंट लौंडे उसे कंधा देते हैं ना। मेल बेस्ट फ्रेंड लिटिल सिस्टर अजी घंटा। कब तक उसका बेस्ट फ्रेंड बने रहोगे? अगर प्यार है, दिल में मोहब्बत है, सीधा अब नहीं है लिटिल सिस्टर। ये क्या सलमान सोहेल खेल रहा है, इनका कोई मान धर्म नहीं होता। ये सिक्योरिटी नहीं, इनसिक्योरिटी देते हैं। नहीं, भरोसा रखो, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार को विजय माल्या पे भरोसा किया जा सकता है, मेल बेस्ट फ्रेंड पे नहीं। रेक रॉक ने मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत की थी जब वो 56 के हो गए थे। कॉलिन्स ने KFC की शुरुआत की थी जब वो 65 के हो गए थे। ऐसा नहीं हुआ कि आपकी बड़ी उम्र हो गई है, ज्यादा एज हो गई, आप कुछ नहीं कर सकते हो, कभी भी विस्फोट हो सकता है। अबे जब मेरे टट्टे जमीन छू रहे होंगे, चूचो और पेट में फर्क नहीं होगा तो विस्फोट होके कहां मरूं? गोटे सहलाने की उम्र में शुरू किया, सक्सेस मिली जब पोते सहलाने की उम्र आ गई। अबे क्या मोटिवेशन है, मेरे झट तक के डिप्रेशन हो गया। आपने सोचा है कभी कि आपके पीछे अगर एक्चुअली बहुत घटिया मोटिवेशन है, बहुत घटिया घटिया की क्या बताओ यार। चलो हाँ, पड़ जाए तो आप क्या करोगे? सांप आपके पीछे भागने लगे और आपको अपनी जान बचानी है तो आप क्या करोगे? या तो वो आपको काट लेगा वरना आपकी लुंगी में घुस जाएगा। काट लेगा तो ठीक है, लुंगी में घुस जाएगा, ये क्या ऑप्शन है? अरे इतना घना जंगल, इतने बड़े पेड़, इतनी गहरी धरती, लेकिन धूप से बचने के लिए सांप के पास एकमात्र यही तो जगह है। बिल्कुल, मतलब चिड़िया का घोंसला, चूहे का बिल, भालू की गुफा और सांप की लुंगी। बराबर, सांप की इज्जत ही नहीं है। देखो अगर आप भाग रहे हो आगे तो सीधी डायरेक्शन में भागोगे तो उसके लिए ज्यादा इजी होगा आपको पकड़ना, तो जिगजैग, कभी लेफ्ट कूदिए, कभी राइट कूदिए, फिर सीधे जाइए। तुम्हारी सहेली नहीं है जिसके साथ तुम पिट्ठू खेल रहे हो, सांप है वो, उसमें विष होता है,
झिकझक भक के उसके मजे मत लो, उसकी एक पप्पी गांड सुन कर देगी फिर पूरे जंगल में टप्पे मारता फिरियो। जो बच्चे स्कूल या कॉलेज में है ना, ये कुछ ऐसी टिप्स है जिससे आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो कम समय में ज्यादा से ज्यादा। दिन के अंदर 7 से 8 ग्लास आपको पानी पीना है। तेरे घर कौन सा तिलस्मी पानी टपकता है जो पढ़ाई अच्छी करवा रहा है, ये फेल करवाएगा। शिवम मदद का ऐसा हाथ नहीं चाहिए जो आंड पकड़ ले। 7 से 8 ग्लास पानी, अबे पेपर क्लियर करना किडनी स्टोन नहीं। ये कुछ ऐसे साइन है कि आप अपने आप से ही दूर हो रहे हो। आप बीच बीच में नम फील करते हो, आप फील करते हो कि आपका कोई पर्पस नहीं है। ये ऐसा क्यों बात कर रहा है, अबे अच्छे से भी बात कर सकता है, अच्छे से भी ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों ना, गंदा मोटिवेशन मत दिया कर। इसको कौन देखता है मेरे को समझ रहा नहीं, मैंने तो पहली बार देखा है बट इतना गंदा मोटिवेशन मैंने कभी नहीं देखा भाई, बहुत घटिया। समझ में नहीं आ रहा मेरे को। दूसरों से डिस्कनेक्ट फील करते हो आप, अकेला महसूस करते हो, अपने दिमाग से एक जंग खेल रहे हो आप। सिर्फ एक ही चीज से आप सही हो सकते हो, सुबह 6 बजे उठ के दौड़ मारो, गहरी सांसें लो। ये कैसे देसी माँ बाप वाले नुस्खे हैं, दिल में बेचैनी हो रही है, पौधे सूंघ लो, पूरा होना है दही मल लो, आंखें कमजोर है थूक लगा लो, और अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो जहर खा लो। देखो अगर मैं एक गधे को चने खिलाना चालू कर दूं ये सोच के कि वो एक दिन घोड़ा बन जाएगा, फिर तो मैं शिव मलिक हो गया ना। लड़कियों, कुछ लड़के स्पेशल भी होते हैं, जब वो गुस्सा हो जाते हैं और तुम्हें कन्वेंस भी करते हैं साथ साथ, क्योंकि तुम सिली थिंग्स कर रही हो। क्या कर रही हो तुम? सिली थिंग्स कर रही हो। विक्की की शादी पे सलमान भाई ने कटरीना को क्या बोला? तुम सिली थिंग्स कर रही हो। रणवीर की नंगी फोटो देख के दीपिका ने उसे क्या बोला? तुम सिली थिंग्स कर रही हो। जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें उसके मेल बेस्ट फ्रेंड के लिए छोड़ दे तो तुम उसे क्या बोलोगे? तुम सिली थिंग्स कर रही हो। शिवम मलिक वो सहेली है जिसके पैर उल्टे हैं, दिमाग को साफ नहीं करता ये, दिमाग को मांझता है। ये बातें आपने सोची कभी? इन्हें बिल्डिंग्स क्यों बोला जाता है जब ये ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी है? नहीं नहीं सही बात है, जब ड्राइविंग करने वाले को ड्राइवर कहते हैं तो शिप चलाने वाले को शिपर क्यों नहीं कहते? जब शिवम मलिक रेड लाइट एरिया जाता है तो बत्तियां लाल से हरी हो जाती है कि भैया आ गया रक्षक, अब ये बातें छोड़ेगा। कोई हमारा थॉट है जिसे हम सोचते हैं वो कहाँ चला जाता है जब हम उसे भूल जाते हैं? इसकी वजह से गीदड़ की गांड में। अब कौन से गड्ढे में बैठता है ये, वायरा के साइड इफेक्ट्स को अपनी पर्सनैलिटी बना रखा है। 5 मिनट इसके साथ बैठ जाओ, दिल की धड़कन तेज कर देगा। अगर तुम खुद को पंच करोगे तो हर्ट होगा, तो तुम वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो? ब्रह्मांड का चूपा हो तुम, अलादीन की कौन सी झाटने से घिसके बाहर निकाला है, ताकत आजमाने के लिए अपने मुक्के मार रहा है, गाड़ी की सेफ्टी चेक करने के लिए एक्सीडेंट कर देगा क्या? इसके साथ बैठ मत जाना, ये जीवन गुरु जीवन दान मांगता है। अगर अपने मुंह से फू करोगे तो ठंडी हवा आएगी, हाँ करोगे वो तो गर्म हवा आएगी। किसका मेल बेस्ट फ्रेंड है ये? उससे पहले फ्रेंड किसका है? इसके दोस्त हमेशा अपने साथ आईकूल रखते हैं, क्योंकि इसकी बातें सुन के जो आंखों में खून चढ़ता है ना, ऐसे घर नहीं जा सकते, बाप गंजेड़ी समझेगा। एक स्टूडेंट ने टीचर से पूछा कि इंडिया में ब्राइड और ग्रूम जो दूल्हा और दुल्हन है 7 बारी अग्नि के चक्कर क्यों लगाते हैं, फेरे लेता है ना, तो क्यों, ये मान्यता क्या है, तो प्लीज बताइए। तो टीचर थे मैथ्स के। कौन नेत्रहीन गांड का अंधा बालक मैथ्स के टीचर से ऐसा सवाल पूछ रहा है? ट्यूशन टीचर तो प्रार्थना करते हैं कि धन्य हो ऐसे चूते शिष्यों का जिनकी सोचने की क्षमता सिर्फ इतनी है कि अगर 2 सेमी सर्कल बना दिए तो उनकी सोच गांड और चूचों से आगे नहीं जाएगी, ट्यूशन का धंधा चलता रहे। जब भी ऐसा आपके दिमाग में है ना कि 2 चीज में से एक चीज चुननी है, तो आंखें बंद करिए, ऊपर वाले का नाम लीजिए और फ्लिप करिए कॉइन को, हेड आया तो वो करिए, टेल आया तो वो करिए। यहाँ जिंदगी और मौत का फैसला लेने हैं, पिक्चरों के सीन एडवाइस की तरह चेप रहा है। तो आंखें बंद करिए, ऊपर वाले का नाम लीजिए और फ्लिप करिए कॉइन को, हेड आया तो वो करिए, टेल आया तो वो करिए। क्या मुझे शिवम मलिक की एडवाइस लेनी चाहिए? सिक्का तो नीचे ही नहीं आ रहा है। आजकल सेक्स इजी है मिलना, लव मुश्किल है, कड़वा है पर सच है। इतना सत्य सुनने के बाद चांद ने चमकना बंद कर दिया, सूरज ने निकलना छोड़ दिया। ये एक बात बताता हूँ गाइस, ये खुद डिप्रेस है। इसके पास लड़की नहीं है, मैं बता रहा हूँ। शिवम मलिक जो है ना, ये पक्का इसके पास कोई नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ये पैथर यूज कर रहा है बस, क्यों कैसे तो भी मेरे पास आ जाए, खुद के पास आ जाए। और इसको वही देखते हैं जिसके पास सही में नहीं है, और वो नहीं क्या, चलो यार इसको भी ट्राई कर ही लेते हैं। अब वो तो हो गए अपने, वो एक मोटिवेशन वाले है ना, वो तो, वो भाई तो ऐसा मोटिवेशन देता डायरेक्ट, मगरमच्छ को ही ऐसा पकड़ने लग जाता है बंदा। तो मैं ये बोल रहा हूँ संदीप माहेश्वरी बहुत खतरनाक मोटिवेशन है। अरे वो तो मैंने देखा, मैंने सुना नहीं उनका, बट वो MBA चाय वाला जब बोलता है ना तब ऐसे बोलता है कि यार कितना स्क्रिप्टेड बोल रहा है वो मतलब उसका वो ही था, उसने स्क्रिप्ट ही बनाया था कि भाई ऐसे करने से पब्लिक
अपने पास आई बिल्कुल, वो कुछ नहीं, वो वचन देने आया भाई, वो सिर्फ उसने पहले सोच लिया था एमबीए चाय वाला है ना कि भाई अभी ऐसा करूंगा तो अभी ऐसा होएगा, पब्लिक तो है ही ठीक है ना, बट वो तो ठीक है, बट ये जो है ना भाई ये वाला जो बंदा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत खतरनाक और घटिया खतरनाक चल रहा है बंदा, मतलब ये खुद डिप्रेस है और खुद क्या डेस्परेट है लड़कियों के लिए, इसके पास है नहीं, मैं बता रहा हूँ, जो जिसके पास नहीं रहती ना वो सब ये गरीब जो गई भी रहेगी ना वापस आई होगी, क्या बोलेगा अभी क्या पता, इसके बातों से तो लग रहा है, बाकी मेरे को नहीं पता, मैं वीडियो देख के बोल रहा हूँ, बाकी उसकी अपन उसने नहीं घुस रहे, चलो किस काल्पनिक प्राणी के लिए सेक्स मिलना इजी हो रहा है, नहीं नहीं अगर तो यार वही सड़क पे मिल जाते हैं तो सेक्स और गुटके में कोई फर्क ही नहीं है क्या, घटिया बोला उसने, ये सेक्स वाली बात से ना मेरे को लगा कि ये खुद डिप्रेस है और खुद डेस्परेट है बिल्कुल इस चीज के लिए, मैं बता रहा हूँ आपको, सही बात है, चेहरे पे भी दिख रहा है, भी शादी सिर्फ सेक्स के लिए ना करें तो कोई नहीं, उससे पहले कर लेते हैं जब डेट कर रहे हैं, डेट पर जाना ओके है पर शादी से पहले बेड पे जाना नहीं, शादी से पहले सेक्स ना करो, सेक्स के लिए शादी ना करो, जब 50-60 साल की उम्र में सक्सेस मिल जाएगी तब करें क्या, अबे ललित मोदी थोड़ी ना हम, अगर कोई लड़की किसी लड़के की तरफ अट्रैक्ट है तो वो धीमी आवाज की जगह तेज आवाज में बात करना स्टार्ट कर देती है, ये सिर्फ शिव मलिक के मल्टीवर्स में होता है, इसके टाइम लड़कियां बच्ची बन जाती है और हमारे टाइम लड़कियां अमिताभ बच्चन बन जाती है, हाय रिया, हाय, हाय रिया, हाय, हाय, नमस्कार, रिया तुमसे कुछ पूछना था, हाँ जी बोलिए, क्या तुम्हें मुझसे अट्रैक्ट फील होता है, अरे भाई क्या बात कर रहे हो, आप तो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, हाँ मतलब बेस्ट फ्रेंड बनेगा, बट नहीं, ओ अच्छा, हाँ हाँ रिया मैं तुम्हारा सच्चा बेस्ट फ्रेंड बनूंगा, बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है क्या बात है, आप अपने लक्ष्य के और करीब आ गए हैं, लीजिए मेरा पर्स उठाइए, बड़ा वाला छोटा वाला नहीं भोसड़े के हाथ कर दूंगी, तो चलो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा मेल बेस्ट फ्रेंड बनूं तो लाइक मारो, एम करते हैं 5 मिलियन लाइक्स के लिए, करोगे ना, और देखो हर बार तुम्हें बताना पड़ता है हम मजाक कर रहे हैं मस्ती कर रहे हैं तो किसी को हेट देने की जरूरत नहीं है, अब अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसपे बेस्ट फ्रेंड बने रहो या लवर मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए, मैं भी जा रहा हूँ मुझे सेक्स के लिए शादी करनी है, बाय मोहित, भ्राता क्या आप योडा को उड़ाना बंद करेंगे, मेरी गांड भयभीत हो रही है, अगर मैं कहूँ ना कि मैं मेरी फ्रेंड हम दोनों तुम्हारे साथ करें ना तो मान जाओगे, हाँ चल करते हैं, अच्छा 100% लिखवा लो तुझे बहुत अच्छा, अरे तुझे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, मुझे पता है मुझे धोखा नहीं देगा, बट जहाँ सेक्स की बात आई ना तू तो किसी को भी ना छोड़े, अरे ओ भाई साहब सही था ये, सही था गाइस, उसको भी सेक्स करने के लिए शादी कर रहा है भाई, क्या यार भाई क्या यार, मजा आ गया, बड़ा मजा आ गया ये, बड़ी यार इतना घटिया, सबसे ज्यादा मेरे को सेक्स वाली बात लगी, मैं क्यों इस पे बोल रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल प्यार नहीं मिलता सेक्स मिलता है, भाई क्या कर रहा है तू, कितना खराब मोटिवेशन कर रहा है और कितनी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है लोगों को, तू कितना भी कुछ बोल ले भाई, वो कैरी भाई ने बोला, कैरी भाई ने बोला कि भाई हम लोग ये मजाक के पर्पज से लेते हैं, हेट करने की जरूरत नहीं, भाई ऐसे करेंगे तो हेट नहीं तो क्या नहीं, ऐसे लोग जो लॉजिकल चलते हैं हर चीज में, बिल्कुल सीधी सी बात है, मतलब ये तुम लोग लॉजिकल चलते हो, बहुत से अच्छे लोग हैं जो लॉजिकल चलते हैं, यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ये बहुत ज्यादा हो गया, मतलब ये रील वाला ही बंदा होगा ना, रील वाले ऐसे वीडियो है ना इसके, तो रील वाला रील वाला ही छुएगा ये ज्यादा, रील और टिकटॉक, अरे यार ना रील और टिकटॉक वाला रहेगा, अब यूट्यूब पे आगे रहेगी भगने शॉर्ट्स में, है ना, क्या यार, तो गाइज मैं एक बात बोलता हूँ, खुद की सुनो, खुद का जो मन बोलता है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, घर वालों से एडवाइस लो, बिल्कुल कोई अपने जो बहुत क्लोज है उनसे एडवाइस लो, पर ऐसे छापा 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 झोला झोला छाप डॉक्टर का ऐसा ये मत लो, झोला छाप एडवाइजर का एडवाइस मत लो, डायरेक्ट अगर भाई इसके पास अगर कोई गया यार ये तो तलाक करके छोड़वाएगा यार, ये तो तलाक करके छोड़ेगा, फेल करके छोड़ेगा, अच्छा खासा बंदा प्यार करने वाला तलाक कर लेगा, खुद की लाइफ तो हो ना, ये रहती बेड़ा गरक हो रहता, दूसरों को भी मत करो, ऐसा मत करो यार, अच्छी मोटिवेशन दो, लोग ऑलरेडी बहुत परेशान है, वो सही है यार बहुत परेशान है, हम लोग हमारे वीडियो से यही करते हैं कि सबको खुशी मिले, बिल्कुल, और यही समझाते हैं कि बस अगर कोई आर्टिस्ट है या कोई भी है जो मतलब डूब मतलब नहीं क्या वो हो रहा है उसको हम लोग मोटिवेट करने का ट्राई करते हैं, कैसे तो भी है कि नहीं और क्या, तो बस यही काम है हमारा मोटिवेट करने का,
गलत मोटिवेट नहीं करते, इतना समझ में आ रहा है बिल्कुल मेरे को बस, ठीक है बस, और गलत इन्फॉर्मेशन भी दे देते बिल्कुल। बाकी का चैनल देख लो, पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो भाई बाकी ठीक है, आपका काम यही है कि अगर कुछ चीजें गलत लगी होती माफ कर देना, बाकी आपके लिए बैठे हम लोग ऐसे सजेशन देते रहो, ऐसे प्यार देते रहो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय जय भारत, पीस आउट।